नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। अमेरिका और चीन में बढ़ी तकरार। ट्रंप ने चीन को दी 100 अरब अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की चेतावनी। चीन बोला, अपने हितों की रक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने से नहीं हिचकिचाएंगे। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा को भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 12 साल की सजा। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हे को भी 24 साल की सजा। दोनों देशों में समर्थकों का प्रदर्शन। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में दोहरा बम विस्फोट। धमाके में 6 लोगों की मौत। विस्फोट में 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल। एक हमलावर भी ढेर। अमेरिका के प्रतिबंधों से बौखलाया रूस। कहा, किसी भी नए हमले का देंगे कड़ा जवाब। अमेरिका ने 12 कंपनियों, 17 विशिष्ट रूसी अधिकारियों और हथियारों के निर्यात पर लगाया है प्रतिबंध। और पाकिस्तान में 15 अप्रैल से खुलेगा ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कूल। फैशन डिजाइनिंग से लेकर कंप्यूटर तक की मिलेगी शिक्षा। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।